वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल रतलाम ऑटो स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से मिलता रहे और वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेलो गाइज, मैं हूँ वाई के और आज का जो वीडियो बहुत ही धांसू होने वाला, क्योंकि आज की वीडियो में लाया हूँ बजाज प्लेटिना 100cc CBS विदाउट सेल्फ। जी हाँ गाइज, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, ये गाड़ी बजाज प्लेटिना 100cc 2019 यानी 2019 मॉडल है। और इसका जो लुक है वो मैं आपको बताता हूँ गाइज, इसका जो लुक है वो काफ़ी हद तक यानी कि लगभग पूरा ही इसका लुक जो है वो 100cc जो पहले प्लेटिना आती थी 2018 मॉडल बिल्कुल उससे ही मिलता है। और इसके अंदर जो खास बात दी गई है वो ये CBS सिस्टम यानी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इसमें आ चुका है। और गाइज ये विदाउट सेल्फ वेरिएंट में है और आप लोगों को मैं इसमें और भी आगे दिखाऊंगा कि और इसमें क्या क्या फीचर्स है। तो गाइस इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए और उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रतलाम ऑटो स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से मिलता रहे। तो गाइस इस वीडियो को प्लीज़ पूरी देखिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो रियर व्हील है इसमें कॉम्बी ब्रेक सिस्टम कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कॉम्बी ब्रेक सिस्टम इसमें लगा हुआ है और DTSI इंजन जो इसमें अभी भी है ड्यूल स्पार्क प्लग। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे यहाँ पर सेल्फ का ऑप्शन आता था तो सेल्फ के स्विच का और यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। और बाकी जो इसके स्विच है ओवरऑल स्विच तो बिल्कुल वही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। और अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो सेल्फ मोटर रहती थी वो सेल्फ मोटर यहाँ से गायब है और इसमें ड्यूल स्पार्क प्लग इंजन है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं DTSI इंजन इसमें अभी भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो अभी सबसे खास बात लगी है मेरे को, इसमें आप लोग देख सकते हैं इसका जो मैग्नेट है, मैग्नेट कवर वो काफ़ी बड़ा है और जिनको समझ में आएगा उनको समझ में आ जाएगा कि मैग्नेट कवर इसका कितना बड़ा दिख रहा है। और इसके कॉल पर अभी भी लिखा हुआ है 100 कम्फर्ट और अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 100 कम्फर्ट लिखा है। और इसका जो शॉकअप है, जो इसका रियर शॉकअप है, वो शॉकअप भी 100cc का ही लिया हुआ है। इसमें कोई 110 का नाइट्रोक्स वाला सस्पेंशन नहीं है, सादा वाला इसमें अभी भी सस्पेंशन लगा हुआ है। और यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी इसका जो लुक है, इसके ग्राफिक्स वगैरह काफ़ी सेम है और इंडिकेटर्स भी इसके सेम ही है। और आप लोग देख सकते हैं इसके कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मैंने अभी ऑपरेट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए पिछला ब्रेक मैं दबा रहा हूँ और ये लग रहा है, तो ये इसमें कॉम्बी ब्रेक सिस्टम दिया गया है और काफ़ी अच्छा। और आप लोग देख सकते हैं इसकी जो बैटरी है VRL ही दी गई है, MF बैटरी नहीं दी इसमें, जिसे विदाउट सेल में MF बैटरी आती है और सेल्फ वाली में VRL बैटरी आती है। तो गाइस इसकी जो VRL बैटरी की वजह से DRL LED लाइट इसकी जलती है, जैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर DRL LED लाइट पहले जैसी लगी हुई है। अब मैं आपको उसके इंडिकेटर्स दिखाता हूँ और इनमें भी कोई चेंजेस नहीं है। और इस गाड़ी के दोनों अलॉय व्हील्स और दोनों टायर्स बिल्कुल सेम है जैसे 100cc में आया करते थे विदाउट ट्यूबलेस। तो गाइज आप लोगों को इस गाड़ी का छोटा सा रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और गाइज मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बी सेफ एंड बी केयरफुली गाइज़।